राजस्थान के अंता में महात्मा गोपाल राम महाविद्यालय में भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय विभाग की इकाई नेहरू युवा केंद्र द्वारा युवा संवाद 2047 कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उप प्रधान रेणु गोचर रही। महाविद्यालय के निदेशक कमल शर्मा ने सरस्वती की पूजा अर्चना करके कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम प्रायोजक अमृता खंडेलवाल ने बताया कि युवा संवाद कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अमृतकाल के पंच प्रण पर आधारित है, जो विकसित भारत का लक्ष्य, गुलामी की हर सोच से मुक्ति, अपनी विरासत पर गर्व, एकता, एकजुटता एवं नागरिक कर्तव्य आदि विषयों पर आधारित है। कार्यक्रम में मेरी माटी मेरा देश के तहत भी कार्यक्रम किया गया, साथ ही जागरूकता रैली निकालकर मेरी माटी मेरे देश का संदेश दिया गया। इस अवसर पर जिला युवा अधिकारी कुमार मधुकर, जिला उपभोक्ता आयोग ललित वैष्णव, व्याख्यात सुरेश शर्मा, गोविंद गुर्जर सहित कई व्याख्याता मौजूद रहे। जब से जिला बना 1991 से तब से बारह जिले में संचालित है और इस संगठन के पूरे 12 जिले में जगह जगह नेहरू युवा मंडल के नाम से, नव युवा मंडल के नाम से, विवेकानंद मंडल के नाम से, राजीव गांधी युवा मंडल के नाम से सैकड़ों युवा मंडल कार्य थे, जिसमें आप जैसे युवा साथी अपने अपने कलाकारी का, कलाओं का, प्रतिभाओं का प्रदर्शन करते हैं और ये एक मंच प्रदान करते हैं उन युवाओं को जिनको एक मंच नहीं मिल पाता, आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल पाता, उन लोगों को मंच प्रदान करने का काम करता है निर्वाचन संघ। बलरामपुर इंडो नेपाल सीमावर्ती विकास खंड हरैया सतघरवा के मिश्रपुरवा में 5 वर्षों से चल रहा CHC निर्माण कार्य पूर्ण नया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन बनकर तैयार हो गया है। यहां सृजित पदों पर चिकित्सक व अन्य कर्मियों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। जल्द ही इन पदों पर नियुक्ति हो जाएगी। चिकित्सक व पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति होते ही इसका संचालन शुरू हो जाएगा। 6 करोड़ की लागत से बने इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से तराई क्षेत्र के करीब 1 लाख लोगों को चिकित्सीय सुविधा का लाभ मिलेगा। हरैया सतघरवा ब्लॉक भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र होने के नाते हर दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पूरे तराई क्षेत्र में अभी तक सिर्फ एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शिवपुरा में था। लोगों को लंबी दूरी तय करके इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्रों पर आना पड़ता था। 2016 से शायद मेरे जानकारी 2015-16 से स्टार्ट हुआ है, तो शायद हॉस्पिटल बनके तैयार भी हो गया है। बगल में हॉस्टल वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन अब अगर तैयार हो गया तो चालू होना चाहिए। अगर चालू होता है तो हम जैसे युवाओं के लिए बहुत प्रेरणा का स्रोत बने और तमाम जो गरीब हैं, ये पिछड़ा क्षेत्र है मेरा, बहुत लोगों को इससे फ़ायदा हो। जो बलरामपुर शिवपुरा दौड़ के जाते हैं बेचारे, बस की किराया नहीं रहती है, यहाँ अगर ये चालू होता है तो इससे बहुत फ़ायदा होगा। आम नागरिक जो जनमानस है उनके लिए बहुत फ़ायदा होगा, तो इसलिए हम यही चाहते हैं कि ये जल्दी जल्दी चालू हो। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर। कानपुर देहात के साधन सहकारी समिति BPEX सदस्यता अभियान संगोष्ठी का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन सभापति धीरज कुमार उर्फ धीरू कटियार ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे अपर आयुक्त एवं अपर निबंधक सहकारिता कानपुर मंडल के विनोद पटेल रहे। संगोष्ठी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि का स्वागत किया गया। कार्यक्रम में सैकड़ों किसान व क्षेत्रीय ग्राम प्रधान मौजूद रहे। अपर आयुक्त ने किसानों को संबोधित किया। बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति लिमिटेड के नेतृत्व में सदस्यता अभियान पर जागरूक किया गया। पूरा मामला मैथा विकास खंड के नुनारी बहादुरपुर सदन सहकारी समिति केंद्र का है। और जो कृषक है या जो अन्य प्रकार के टेक्निकल नॉलेज के जो भी वर्ग के लोग पूरे हुए हैं या गाँव क्षेत्र में रहते हैं, उन्हें भी कोई ना कोई रोजगार सोसाइटी के माध्यम से उपलब्ध हो सके,
जैसे अभी केंद्र सरकार लामेरठ में गढ़ रोड स्थित बना रहे गंगा एक्सप्रेस हाईवे का बहाना लेकर मिट्टी ठेकेदार कॉलोनी वालों से मोटी रकम लेकर अपनी जेब गर्म करते हैं। मिट्टी में चल रहे ट्रैक्टर में डंपर बीचों बीच में प्लेटों का भराव भी करते हैं, जिसमें कि धार्मिक स्थल की बराबर में खनन करना अलाउड नहीं है, फिर भी हाईवे का बहाना लेकर ठेकेदार बिना परमिशन के 9 फुट मिट्टी उठा रहे हैं। धार्मिक स्थल से तकरीबन 50 मीटर की दूरी पर कर रहे खनन, जैसा कि रात का अंधेरा होते ही ठेकेदार अपनी जेब गर्म करने के लिए अपनी सेटिंग जमाना शुरू कर देते हैं। हसनपुर चौकी से तकरीबन 10 मीटर की दूरी पर सांझ होते ही साफ दिखाई दे रहे हैं। प्लॉट में मिट्टी पलटते हुए ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है। हाईवे का बहाना लेकर ठेकेदार अपनी गाड़ी इस प्लॉट के बराबर में खड़ी कर अपने सामने ट्रैक्टरों में डंपर से भराव करवाते हैं। पीलीभीत में आज दिनांक 29/9/2023 भारतीय किसान यूनियन तहसील अध्यक्ष रामगोपाल प्रजापति द्वारा मीटिंग संपन्न हुई। पंचायत में किसने की समस्या का समय से निदान ना होने पर पंचायत में किसानों की समस्याओं का समय से निदान ना होने पर किसानों ने तहसील प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। जिला महामंत्री अशोक राठौर ने कहा कि यदि समस्याओं का अतिशीघ्र निराकरण नहीं किया गया तो किसान सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन करेंगे। जिला उपाध्यक्ष बाबूराम वर्मा ने कहा, राजस्व विभाग कार्य भूमाफियाओं से पैसा लेकर पीड़ित किसान का बड़े पैमाने पर शोषण जारी है, जिस पर प्रभावी रोक लगाई जाए। नंदकिशोर राठौर ने कहा, 11 अक्टूबर को संगठन के कार्यकर्ता राष्ट्रीय नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए बड़ी संख्या में अपनी समस्याओं को लेकर लखनऊ पहुंचेंगे। रायबरेली में कलयुगी बेटी ने रिश्तों को तार तार करते हुए अपनी माँ व मासूम भाई को चाय में जहर दे दिया। दोनों गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती हैं। मामला गदागंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत पंपापुर खजूरी गांव का है, जहां आज सुबह किसी बात को लेकर चंद्र नरेश की 18 वर्षीय बेटी रोशनी ने चाय में जहर डालकर अपनी माँ गंगा देवी उम्र 35 वर्ष व मासूम भाई सूरज उम्र 10 वर्ष को पिला दिया। चाय पीने के बाद धीरे धीरे दोनों की हालत बिगड़ने लगी। घटना से पूरे गांव में हड़कंप मच गया। आनन फानन में ग्रामीणों की मदद से परिजन दोनों माँ बेटे को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहाँ दोनों की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल रायबरेली के लिए रेफर कर दिया गया, जहाँ दोनों माँ व मासूम बेटे की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं दबी जुबान में ग्रामीणों का कहना है कि प्रेम प्रसंग के चलते परिजनों की डांट फटकार के बाद बेटी ने मां व भाई को जहर दिया है। वो तो जहर ऊपर खाना बना रहे थे, वहां से गड़ के दे दिया। अब नीचे का पता कोई का जहर दे है का दे है क्यों दिया? कोई डांट फटकार कुछ नहीं? उसका कहीं कोई संबंध वगैरह उस पर डांट फटकार पड़ी थी ऐसा बताया जा रहा है? हमारे सामने थोड़ा बार नहीं तो हम खराब किस चीज़ में जहर दिया गया है? चाय में। क्या है पूरी बात बताओ? चाय पूरी बात तो बताया है ना, बताओ। क्या बच्चे है? डॉक्टर एसकेएस की एमओ जिला अस्पताल रायबरेली। एक गंगा देवी करीब एज है उनकी 35 साल, उनका एक लड़का है करीब, उसका नाम है सूरज साल 10 साल का है, जो कि ये SCSC जगतपुर से रेफर किया गया था, सस्पेक्टेड पॉइजनिंग का केस था। बाकी अटेंडेंट से पता करते हैं, पता चला कि उनके फैमिली के जो उनके लेडी जो गंगा देवी है इनकी बेटी, इनको चाय में जहर मिला के दे दी। ये तो अब जांच का विषय है पुलिस का, आगे क्या होता है। बाकी ये लोग रहने वाले हैं पंपापुर थाना गदागंज के रहने वाले हैं। बाकी इनकी नाजुक स्थिति बनी है, इन दोनों को एडमिट कर दिया गया, ट्रीटमेंट चालू है। शिवपुरी में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री रघुवंश कुमार सिंह जी के द्वारा जिले में अवैध मादक पदार्थ, जुआ सट्टा, अवैध हथियार, अवैध खनन परिवहन, अवैध शराब की धरपकड़ अभियान के तहत जीरो टॉलरेंस अपनाने के निर्देश दिए गए। उक्त निर्देश के पालन में श्रीमान अति पुलिस अधीक्षक श्री संजीव मुले जी के निर्देशन एवं श्रीमान SDOP महोदय श्री शिव नारायण मुकाती के मार्गदर्शन में दिनांक 28/9/2023 की शाम को
थाना करेरा पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम आंढर का उदयभान रावत अवैध हथियार बेचने का धंधा कर रहा है। मुखबिर की सूचना की तस्दीक हेतु हमराही फोर्स की मदद से ग्राम आंढर में नरेश पाल की कुआं पर बनी मड़ैया के पास पहुंचा, जहां से उदयभान रावत पुलिस को पास आता हुआ देख भागने लगा, जिसे फोर्स की मदद से पकड़ा गया। उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम उदयभान पुत्र प्रतीम सिंह रावत, उम्र 35 वर्ष, निवासी आंढर थाना करेरा का होना बताया। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने का सिलसिला थमा नहीं था कि अब एक ऐसा मामला सामने आया है जो सभी को हैरत में डाल सकता है। उत्तराखंड के 3 युवक और उत्तराखंड की सीमा से सटे उत्तर प्रदेश के 2 युवकों को दुबई में बंधक बनाने का मामला सामने आया है, जो अब विदेश में फंसे लोगों की एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। वायरल वीडियो में युवक धामी सरकार से गुहार लगाते नजर आ रहे हैं। अब युवकों के परिजनों ने भी सीएम पुष्कर सिंह धामी से मदद की गुहार लगाई है। परेशानी बता, अपना नाम बता। मोहम्मद दिलसाद मेरा नाम है और अंगतपुर का रहने वाला हूँ, रायपुरी बॉर्डर का मैं। और जो है हमें जो है बुलाया गया था और बहुत परेशानी है हमें, और घर नहीं भेजे जा रहा है हमें बिल्कुल भी, ना हमारी सुनवाई हो रही है, ना हमारा पासपोर्ट दिया जा रहा है, ना कैंसिल हो रहा है। और जो है हमें नुकाया जा रहा है, 7,000 ड्रम दो जब घर जाया जाए। और बहुत परेशानी, हम बहुत परेशानी में, ना खाने को मिल रहा है, ना पीने को मिल रहा है। किसी तरह हमारी स्टाइल होनी दुआई हो जानी चाहिए, हमें घर जाना है हर हाल। अंगतपुर, ये परविंदर नाम है लड़के का, धामपुर के पास का रहने वाला। मौसम दो महीने में को अभी 5 तारीख में गया, 2 महीने में कम हो रही है। ये जो कंडीशन ये है, उन्हें खाने के लिए नहीं मिल रहा है, ना ही जो पैसे 2 महीने काम करा वो भी नहीं मिल रहा। बंदा बना रखा जी, उसने पासपोर्ट भी ले रखा, जब्त कर रखा है। हमारी सरकार से ये मांग है कि हमारी सरकार हमारे लड़कों को हमारे घर पहुंचवा दे। मीडिया के माध्यम से ऐसी जानकारी मिली है कि हमारे ज़िले के 4 से 5 युवक दुबई में फंसे हुए हैं। और सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से ऐसे सभी युवकों से, युवतियों से निवेदन करूंगा जो विदेश जाने की चाह रखते हैं, लेकिन वो किसी भी नाजायज़ तरीके से विदेश ना जाएं, पहले पूरी जानकारी विदेश भेजने वाले एजेंट के माध्यम से या सरकारी तौर तरीकों से पूरी जानकारी लेकर ही विदेश जाएं। उत्तराखंड के लक्सर में बाढ़ पीड़ित किसान ऋण माफी, बिजली का बिल माफ व फसलों का सही मुआवजा दिलाए जाने की मांग को लेकर कांग्रेस द्वारा आगामी 2 अक्टूबर को लक्सर में किसान महारैली का आयोजन किया गया। लक्सर में प्रेस वार्ता के दौरान युवा कांग्रेस नेता मोनू वर्मा ने पत्रकारों को बताया कि पिछले दिनों लक्सर क्षेत्र में भीषण बाढ़ आई थी, इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड में मुआवजे के लिए 11,000 करोड़ की धनराशि जारी की गई थी, लेकिन किसानों को सरकार के मानकों के अनुसार ना तो उनकी फसलों का उचित मुआवजा दिया गया है और ना ही किसानों के बिजली के बिल माफ किए गए। उन्होंने कहा कि किसानों को अपनी एक फसल तैयार करने के लिए लगभग 8,000 रुपए प्रति बीघा का खर्च होता है, मगर उन्हें मात्र 1,100 रुपए प्रति बीघा ही दिया जा रहा है, जो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। उन्होंने कहा कि आगामी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्मदिवस के अवसर पर लक्सर में कांग्रेस द्वारा किसान महारैली का आयोजन किया जा रहा है। मैं मोनू कुमार वर्मा, एक मॉल कुछ नहीं बना रहे हैं, जो यहाँ पे करीब बरसात में 2 महीने पहले जो भयंकर बाढ़ आई है, उसमें जो किसानों का नुकसान हुआ है, उसमें सबको पता है, यहाँ जो फसल थी सारी बर्बाद हो चुकी है, टोटल फसल सारी खत्म हो चुकी है। उसका बीजेपी सरकार ने 1,100 रुपये मुआवजा देने का काम किया है, वो भी चुनिंदा आदमियों को मिल पा रहा है, घर घर हर किसान तक मुआवजा नहीं पहुंचा, जबकि गन्ना बोने में 8,000 रुपये बीघा खर्चा आ रहा है। 1,100 रुपया खाली जख्म पे मल्लम लगाने का काम है, ये पूरी तरह
सरकार फेल है, ये किसानों के बिल्कुल हक में नहीं है। हमारी यही मांग है, इसी कारण हम ये 2 अक्टूबर में प्रोग्राम करने जा रहे हैं यहाँ पे। मेन मुद्दा हमारा यही है, किसानों को उनका हक मिल सके। बलरामपुर भारतीय किसान यूनियन भानु के कार्यकर्ताओं ने शनिवार को ब्लॉक पचपेड़वा पर ब्लॉक अध्यक्ष आलम खान के नेतृत्व में मासिक किसान पंचायत धरना का आयोजन कर जिलाधिकारी को संबोधित 8 सूत्रीय ज्ञापन खंड विकास अधिकारी को सौंपा तथा समस्याओं के समाधान की मांग की। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष राम सनेही, जिला प्रभारी सियाराम विश्वकर्मा, जिला प्रवक्ता गौतम प्रसाद ओझा, ब्लॉक सचिव सद्दाम कुरैशी, नगर अध्यक्ष पचपेड़वा घनश्याम भारती, राजाराम अब्बास, सलमान सैफी, राधेश्याम यादव सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जब तक दुखी किसान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा। महाराष्ट्र के मुंबई गोवंडी शिवाजी नगर महाड़ा क्षेत्र का सारा मामला है। उत्तर प्रदेश की रहने वाली महिला कोडेजा खातून पत्नी अबुल हसन खान अपने इलाज के लिए मुंबई गई हुई थी। घाट के ऊपर क्षेत्र हॉस्पिटल राजावाड़ी में अपनी आंखों का ऑपरेशन और इलाज करने के लिए मुंबई पहुंची महिला खुद इजा खातून को फुटपाथ पर रहती थी। एक रोज किसी ने इंसानियत के नाते अपने घर में ले गया उस व्यक्ति महिला को और नहला धुला कर खाना खिलाया। उसी समय 3 महिलाओं ने आकर उस बूढ़ी औरत को घर में से निकाल कर बुरी तरह से खींच कर मारा। इंसानियत को भी रोना आ जाए देख कर। आप इन तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरह से एक महिला पहले दरवाजे को ठोकती है और उसके बाद दरवाजा खुल जाता है। वे दोनों महिलाएं घर में घुसती हैं और उस बूढ़ी औरत को बाल पकड़कर खींचकर बाहर निकालकर मारने लगती हैं। चारों तरफ से आप वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं। जिला मेरठ के हसनपुर कदीम चौकी के सामने वाले रास्ते पर करीबन 0.5 किलोमीटर की दूरी पर होल्डिंग बनाने वाली फैक्ट्री चल रही है। दिन दहाड़े अवैध निर्माण बिना नक्शे बिना परमिशन की फोल्डिंग बनाने वाली फैक्ट्री में धड़ल्ले से हो रहे हैं। फोल्डिंग बनाने वाली फैक्ट्री के मालिक का नाम राकेश कुमार ग्राम मुरलीपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। राकेश कुमार का कहना है कि मेरा MDA कुछ नहीं उखाड़ सकता क्योंकि मैं नीचे से लेकर ऊपर तक सभी अधिकारियों का मुंह बंद रख सकता हूं। फोल्डिंग बनाने वाली फैक्ट्री तकरीबन 500 गज में अवैध बनी इस फैक्ट्री के ऊपर हुई है। पहले कोई कार्यवाही ना होने के कारण राकेश कुमार के हौसले बुलंद हो गए हैं। हौसले बुलंद का मतलब है कि इस फैक्ट्री के ऊपर 2 मंजिल अवैध निर्माण करना शुरू कर दिया गया है। राकेश कुमार का कहना है कि हम सभी अधिकारियों को देख लेंगे, हमारा क्या बिगड़ेगा। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।